ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वदेशी कामधेनु गौशाला गांव गनो तहसील नूरपुर में डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस पालमपुर एंड एग्रीकल्चर स्किल काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा डेयरी फार्मिंग इंटर्नशिप पर सेमिनार लगाया गया, जिसमें डॉक्टर पांडा, डॉक्टर मनोज और 18 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया, जो कि हिमाचल के अलग अलग जिलों से आए हुए थे। स्वदेशी कामधेनु गौशाला गांव गनो तहसील नूरपुर में डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस पालमपुर एंड एग्रीकल्चर स्किल काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा डेयरी फार्मिंग इंटर्नशिप पर सेमिनार लगाया गया, जिसमें डॉक्टर पांडा, डॉक्टर मनोज और 18 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया, जो कि हिमाचल के अलग अलग जिलों से आए हुए थे। गौशाला संचालक राजेश डोगरा एवं ऋषि डोगरा ने बताया कि गोपालन को कैसे व्यवसाय के रूप में किया जा सकता है, जो कि पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साहिवाल एवं राठी गाय हिमाचल के वातावरण के हिसाब से कारीगर सिद्ध हुई। आए हुए शिक्षकों को उन्होंने गौशाला का भ्रमण करवाया और गोपालन की विभिन्न तकनीकों से अवगत करवाया, जिसमें कि गाय मैनेजमेंट एंड फीड मैनेजमेंट मुख्य रूप से जरूरी है। उन्होंने प्रशिक्षकों को देसी नस्ल की साहिवाल गाय की पहचान, गौमूत्र और गोबर से बनने वाले पदार्थों की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया। ऋषि डोगरा ने बातचीत में बताया कि उनकी गौशाला हिमाचल की रोल मॉडल के रूप में भी उभर रही है और अन्य गोपालकों को गोपालन और उनसे बनने वाले विभिन्न पदार्थों को किस तकनीक और कैसे बनाया जाए, इसके लिए वे सबका सहयोग करना चाहते हैं। किसानों को अच्छा मार्केट उपलब्ध हो, इसके लिए उनकी गौशाला उनकी मदद करेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही अपनी गौशाला में स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग सरकार की मदद से शुरू करेंगे। इस समय उनकी गौशाला में 9 गौ उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा भी संसाधन भंडारण का प्रस्ताव उनकी गौशाला के पास आया है, जिसमें गौधारित कृषि में उपयोग होने वाले जीवामृत गन, जीवामृत एवं अन्य कीटनाशक दवाइयों को किसान उनकी गौशाला से प्राप्त कर सकेंगे। राजेश डोगरा एवं ऋषि डोगरा ने कहा कि उनका लक्ष्य देसी नस्ल की गाय का संरक्षण, संवर्धन, नस्ल सुधार और साथ ही गौशाला आत्मनिर्भर बनाने का है, जो कि वे कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है। मैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर में सहायक अध्यापक हूँ। आज हम यहाँ नूरपुर में आए हैं क्योंकि हमारे पास एक 25 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है डेयरी फार्मिंग या एंटरप्रेन्योर के ऊपर, जिसमें कि हम लोगों को 20 लोगों को डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या कैसे कैसे गाय पाल सकते हैं या गाय पालन के से संबंधित जो भी रोजगार हैं, जैसे कि फीड फैक्ट्री खोल सकते हैं या दूध का कोई प्रोडक्ट है, दही है, पनीर है, घी है, उस बारे में जो भी वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग चल रहा है। आज हमारे यहाँ किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट है, क्योंकि फार्म में यहाँ पे साहिवाल, राठी और गिर पाले हुए हैं और ये उस दूध से एक टू जो मिल्क है देसी गाय का, उससे ये उत्पाद बनाकर एक अच्छी अच्छी मार्केट दिल्ली पंजाब में बेच रहे हैं, जिसमें कि लस्सी आधारित प्रोडक्ट हैं, घी है, लैक्टोज बटर है। तो इसके लिए हम आज फार्मर को यहाँ लेके आए हैं ताकि वो इस प्रोसेस को देख सकें, इसको समझ सकें और इनसे जुड़कर आगे में भी अपना कोई रोजगार सेटअप कर सकें, खुद के लिए भी और औरों को भी रोजगार दे सकें।